तो मतलब मजा आ गया। आई एम स्पीचलेस टुडे यार। मैं खुशी बयान नहीं कर सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ आज के यार। जन्मदिनम भवतु मंगलम। दादा आप बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहे, खूब दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी रंग विनायक रंगमंडल और हम सभी की कामना है। सूर्य उगवला प्रकाश पड़ला अड़वा डोंगर मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज है 7 अक्टूबर और 7 से लेकर 9 तक हमारे थिएटर में एक फेस्टिवल चल रहा है। सुनील शानबाग जी हैं जो इंडियन थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर इंडिया में थिएटर डायरेक्टर उसका नाम लिया जाए तो वो टॉप 3 में आएंगे। उन्होंने बॉलीवुड के और थिएटर के बहुत बड़े बड़े और अच्छे एक्टर्स के साथ में काम करा है, जिनके अंडर उन बॉलीवुड के एक्टर्स ने काम करा है। तो आज वो आ रहे हैं, मतलब कल आ चुके हैं, तो आज से उनके प्लेज हैं। और एक दो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और आ रहे हैं, वेब सीरीज के सेलिब्रिटीज और आ रहे हैं, तो हमने बॉलीवुड की फिल्मों में और वेब सीरीज में देखा है, तो आज उनसे मिलने का मौका मिलेगा। जिनमें से एक है कुमुद मिश्रा जी, जिनसे आज दोपहर को एक इंटरेक्शन सेशन भी है, तो आज उनसे मिलने को मिलेगा। प्लस अभी चलने का है थिएटर में, 10 बजने वाला है, मतलब 10 बज चुका है। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। मुझे निकलना है लेकिन बारिश में थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, पहले माइक लेके जाना है क्योंकि साउंड की जिम्मेदारी मुझे मिली है और एक दो लोग और मेरे साथ में। फुट माइक लेने हैं आजम नगर से, पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद सीधे चलेंगे थिएटर। बाकी लोग 9 बजे पहुँच चुके हैं लेकिन फुट माइक देरी से मिलने से इसी में थोड़ा टाइम। चलिए फिलहाल चलते हैं, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना इसके पूरे पूरा वीडियो लास्ट तक बहुत मजा आया। और राइट गाइस, तो फिलहाल मैं निकल गया हूँ घर से और कल पूरी रात बारिश हुई है। मैं सुबह लगभग 5 बजे के आसपास सोया था, तब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी भी मध्यम बारिश हो रही है। और अभी मैं गया था माइक लेने के लिए, फुट माइक लेने के लिए, हमारे ही थिएटर के फुट माइक थे साउंड वाले भैया के पास। तो कल तो बोल रहे थे कि सुबह आ जाना 10 बजे माइक मिल जाएंगे, लेकिन आज पहुँचा उनकी दुकान पर, बड़ी मुश्किल से फोन उठाया। जब पहुँचा मैं तो बोल रहे हैं मेरे पास माइक है नहीं, मतलब मैं माइक लेके नहीं आया खाते थे, अब माइक लेके आऊँगा। तो मतलब यार इंसान के टाइम किसी को वैल्यू नहीं है, और वो बंदा हमारे चक्कर में सुबह 9 बजे आ गया, वो कि लाइट और साउंड का टेस्ट करवाना है पूरा, जो भी सेटिंगों की वो करवानी है। और अब देखो यार, मतलब मैं 1 घंटा इसलिए लेट हुआ था कि माइक ले लूँगा, लेकिन वो माइक ले नहीं। अब देखते हैं फिलहाल क्या होता है। तो गाइस हमारे शहर का सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड फ्लाईओवर का काम होना शुरू हो गया है, कुतुबखाना फ्लाईओवर का। अब देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। अभी हाल ही में लगभग 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले ये काम शुरू हुआ है इसका, तो अब देखते हैं काम कब तक चलता है इसका ये। तो मैं पहुंच गया हूँ थिएटर में, मैं आपको दिखाता हूँ फिर किस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है। अभी मतलब डेकोरेशन तो हो गई है, कल पोस्टर वगैरह लगे हैं। तो ये देखिए सुनील शानबाग सर का यहाँ पे सामने पोस्टर लगा है, प्लस रामलीला का पोस्टर लग चुका है, और यहाँ पे अंदर जो लॉबी है यहाँ भी सर के पोस्टर्स लग गए हैं, जो भी इनके प्लेज होने हैं तो यहाँ भी लग गए हैं, प्लस ये पूरा पेंट होकर दोबारा पोस्टर्स लग गए हैं। और हमारे जितने पोस्टर्स थे कुछ तो यहाँ लग गए हैं, कुछ लग गए हैं सीढ़ियों के पास में। नमस्ते भैया। तो ये इनके प्लेज हैं आज, एक ब्लैंक पेज है और एक है सोल, एक है वर्ड्स हैव बीन अटर्ड, और एक है सेम सेम बट डिफरेंट। तो देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या सीन है। बहुत लकी हूँ मैं कि मैं इस थिएटर के थ्रू इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में मिला हूँ, एक्टर्स उनके साथ में भली डांट खाने में मिल जाती है, लेकिन उनके साथ में कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि थिएटर में बहुत बड़े लोग हैं। तो गाइस ये जो थिएटर का वेटिंग एरिया है, यहाँ भी सारे पोस्टर्स वगैरह लग गए हैं, देखिए जितने भी सर के प्लेज हुए हैं, और कुछ कुछ के पोस्टर्स लगे हैं, सबके नहीं लगे क्योंकि बहुत सारे प्लेज हैं, तो कुछ सिलेक्टेड प्लेज के ही पोस्टर्स लगवाए गए हैं यहाँ पे। ये अपने
जो नीचे पोस्टर्स लगे थे वही वाले पोस्टर थे। तो गाइस फिलहाल यहाँ तो लाइट सेट हो रही है जो टीम आई है, और ये सामने जो वाइट कलर की पर्दा लगा था, वाइट कलर का पर्दा लगा था, वो भी हटवा दिया है उसको। अब लाइट सेट हो रही है इनकी, इसके बाद में साउंड टेस्ट होगा। तो गाइस फिलहाल तो अभी लंच पैक करवाने आए थे दोपहर के लिए, क्योंकि सुबह सब लोग बिना ब्रेकफास्ट के आ गए थे। अभी लंच पैक करवाने आए हैं, चिकन बिरयानी पैक करवाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस फिलहाल लंच तो हो गया, फिलहाल अभी चल रहे हैं मुगल सर से मिलने के लिए, वो आ रहे होंगे, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या होता है। पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, नए प्रोडक्शन के रिसर्च के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो मतलब इन लोगों के लिए काम। जहाँ तक घूमने का सवाल है तो मैं घनश्याम, हम लोग अक्सर पटी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, हम लोग चले जाते हैं। थोड़ा इस बार थोड़ा लंबा गैप हो गया, ऑलमोस्ट 8 महीने से साल भर हो गया है कहीं ना कहीं। जैसलमेर बीच में हम लोग छोटा हमने ये किया था सतारा के आधे में टूट गया था, तो किसी भी काफी प्रॉब्लम, तो उस वजह से हमारा घुमाई और दूसरा हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे जहाँ भी हम शूटिंग करने जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो एक तरह का आपकी पेड हॉलीडे भी हो जाती है अगर आपको थोड़ा सा टैंक मिल जाता है। आप एक अभिनेता है तो मीडियम जो है ना गौण हो जाता है, उसी तरीके से जैसे कि एक पेंटर के लिए वो वाटर कलर ऑन पेपर कर रहा है या ऑयल ऑन कैनवस कर रहा है या फ्रेस्को कर रहा है, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट बात नहीं होती। उस वक्त वो जो क्रिएट कर रहा होता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात होती है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sunil sir. Happy birthday to you. जन्मदिनम भवतु मंगलम। दादा आप बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहे, खूब दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी रंग विनायक रंगमंडल और हम सभी की कामना है। Happy birthday दादा। तो गाइस फिलहाल शाम का टाइम हो गया है, शो का टाइम हो गया है, और आज का दिन बहुत ज्यादा अमेजिंग निकल रहा है। मतलब आज अभी शो स्टार्ट होने वाला है और सारे ऑडियंस भी आए हुए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। Girls who can play fairies in end-of-term plays. Symmetrical girls who don't stick out at odd angles in the march past. Geometrical girls always equipped with compass boxes. Cultivated girls with dictions manicured by militant horticulturists. Musical girls who chorus good morning in orchestrated D minor. Good morning, miss. Good morning, miss. Slap him in the cheek and pummel him, man. You should keep handy a Rampuri knife. Dupti, farshi, talwar, shiga, haki, bamboo, acid bomb, itadi hatashi thevavi. Mage pude na pata, konase dahaye bhai kadavi. Murder karava, jublancha kattali karavya. Manchana gulam banvavi. Tancha gandivar hankatse phatke maravi. Tancha rakta khulyavar apla gugra shidun ghyava. Shejarala lutavi. Padala lutavi, banka phodava. Shekh saukaranchi aai sahun takavi. Natya gotyancha kesane gada kapava. Jevda vish kalave lut maravi. माणसाने कोणाच्याही आई बहिणीवर केव्हाही कधीही कुठेही चढावे। यू शुड हम एनीवन्स मदर ऑर सिस्टर एनीवेअर यू कॅन, एंगेज युअर डिक विथ एव्हरी वुमन यू कॅन फाइंड, कॉल नोबडी टू ओल्ड टू बी स्क्रूड, कॉल नोबडी टू यंग, नोबडी टू ग्रीन टू शॅग, ले देम वन अँड ऑल। व्यासपीठावरून समग्र बलात्कार खणाव, रांडवाडे वाढवावे, फाडका उभावे, स्त्रियांची नाकं थानं कापून मुड्या। सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर चावला काय चावला कुणाला सांगू चावला।
गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब यार क्या शानदार दो प्लेस थे, एक था सोल एक था ब्लैंक पेज, दोनों नेक्स्ट लेवल थे। सोल जो प्ले था वो प्ले नहीं था, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था और बहुत ज्यादा अमेजिंग था। बहुत ज्यादा मैंने ऐसा प्ले ऐसा कॉन्सर्ट फर्स्ट टाइम सुना, लेकिन बहुत मजा आया इसमें। मतलब ऑडियंस कितना इन्जॉय कर रही थी कि उन लोगों को परफॉर्म करने में बहुत मजा आ रहा था। तो आज का दिन मतलब बन गया यार कि थिएटर के थ्रू इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। वसीम बरेली जैसे इतने बड़े शायर अपनी इंडिया के, जिन्होंने अपनी इंडिया का नाम इतने अच्छे लेवल पर ले गए हैं। उसके बाद फिर मैं चला गया था डिनर करने के लिए। कुमुद सर, शुभजोत सर, सुनील सर की टीम और हमारी टीम के भी कुछ लोग थे, तो हमने साथ में जाके डिनर किया था। तो गाइस फाइनली अभी फ्री हो गए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। और आज का जो दिन है वो मतलब अगर कहेंगे मेरे थिएटर लाइफ का 3 साल का वन ऑफ द बेस्ट डे है तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि आज यार इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिला और इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखी आज कि आज मज़ा आ गया। इतना अच्छे दो प्लेस थे ब्लैंक पेज और सोल। सोल तो यार मतलब कमाल ही था यार। और कुमुद मिश्रा सर से मैं फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन आज उनके साथ में डिनर भी किया था प्लस कुछ बातें भी की थी उनके साथ में, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि वो माहौल सही नहीं था, वो रिकॉर्ड करने वाला नहीं था माहौल। लेकिन बहुत मज़ा आया था। प्लस सुभजोत सर से मिला था तो उनके साथ में उनका एक्सपीरियंस भी जाना, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया अपने बारे में, जो कि नॉर्मल इंटरेक्शन सेशन से बिल्कुल अलग था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी फिलहाल फ्री हुए हैं और बारिश रुकने का वेट कर रहे थे लेकिन रुकी नहीं, तो हमने सोचा चलो फिर भीगते हुए चलते हैं। तो मैं भी निकला और तारिश देव निकले हैं अभी। कल तो फिलहाल कुमुद सर और सुभजोत सर तो निकल जाएंगे बाहर कहीं, तो देखते हैं कल क्या होता है। और वो पूरी 3 दिन बहुत मज़ा आने वाला है यार। मतलब क्या दिन है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। मतलब बता नहीं सकता यार क्या फीलिंग जो मेरे अंदर है ना यार, वो वर्ड्स में सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो गाइस फिलहाल घर पहुंच गया और पूरी तरीके से सही से बीत चुका हूं, देख सकते हो। और कल ही तबीयत सही हुई है, आज फिर से देखना क्या हम शायद तबीयत खराब ना हो जाए। तो गाइस फाइनली तो चेंज भी कर लिया है और आज तो मतलब मज़ा आ गया। आई एम स्पीचलेस टुडे यार। मैं खुशी बयान नहीं कर सकता, मैं कितना ज्यादा खुश हूँ आज की यार, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब कुमुद सर के साथ में और सुभजोत सर के साथ में डिनर भी किया था तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि वो मोमेंट नहीं था रिकॉर्ड करने का। बट उन दोनों से पर्सनली मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जितने अच्छे वो लोग रियल लाइफ में हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे वो लोग रियल लाइफ में हैं। उनसे बात करके मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत जेन्युइन पर्सन है। मतलब अब कल हमारे थिएटर में वर्ड्स हैव बीन अटर्ड प्ले है तमाशा थिएटर का, मतलब सुनील शानबाग सर का। तो आज उनका बर्थडे भी था तो उनका बर्थडे भी आज सेलिब्रेट कर लिया। तो कुमुद सर ने ही उनके लिए केक मंगवाया था, फिर जहाँ पर डिनर था वहाँ भी उनके लिए केक कटवाया था। तो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। जब मैं पहुँचा था तो केक कट चुका था। कल सुबह 10 बजे पहुँचना है और अभी 2 बजने वाला है। फिलहाल सोते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।